एमआईडीसी पुलिस ने मंगलवार रात गोपनीय जानकारी के आधार पर चर्चित अपराधी दीपक कालिया के गैंग को डकैती की तैयारी में गिरफ्तार किया। तीन आरोपी पुलिस के हाथ लगे, जबकि दो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पकड़े गए आरोपियों में भीमनगर बस्ती निवासी दीपक उर्फ कालिया सुनील सिंह, साईनाला जबलपुर निवासी बालेंद्र मानेश्वर और बख्शी लेआउट खड़गांव रोड निवासी दीपक प्रताप बिष्ट का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इसासनी के सुमंगल विहार परिसर में कालिया अपनी गैंग के कुछ लोगों के साथ जमा हुआ है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। खबर के आधार पर पुलिस ने परिसर पर छापा मारा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भीमनगर निवासी शिव पंचेश्वर और आईसी चौक निवासी सूरज उर्फ अंडा भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उपरोक्त तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की तलाशी ली तो तलवार, मिर्ची पाउडर और रस्सी बरामद हुई। उनके खिलाफ डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। दीपक कालिया बड़ा सेंधमार है। एमआईडीसी परिसर में बंद फैक्ट्री से सामान चोरी करने में वह माहिर है। उसकी गैंग में 10 से 12 लोग होने की जानकारी पुलिस को मिली है। कुछ कबाड़ी भी उसकी गैंग में शामिल है। आरोपी फैक्ट्रियों में सेंध लगाकर एक बार में ही लाखों का माल गायब कर देते थे। अन्य वारदातों के बारे में भी उनसे पूछताछ की जा रही है।